आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक और शानदार प्रश्नावली कक्षा 10 गणित की लेकर आया हूं, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आएगी। इस प्रश्नावली से बच्चों को डर लगता है, लेकिन ये क्लासे पढ़ने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8, त्रिकोणमिति का परिचय। आज मैं इसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर अगली क्लास में हम इसके सवालों को हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप सवालों को समझने से पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सवाल आपको यूं आ जाएंगे, लेकिन बेसिक अगर आपने नहीं समझा तो फिर सवाल आपको नहीं आएंगे। तो बेसिक वाली क्लास आप अच्छी तरह से समझा कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपको कक्षा 10 गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में 100 में से 100 नंबर दिलाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो यहाँ पर ये नया चैप्टर है, आपके पहली बार आ रहा है, क्लास 9 तक आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो देखो यहाँ पर त्रिकोणमिति को समझते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति होती क्या है। तो देखो अगर आप इसका संधि विच्छेद करो बेटा तो 3 शब्द बनेंगे, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब देखो त्रि का मतलब होगा 3, कोण का मतलब होगा कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि 3 कोणों वाली जो आकृति होती है उसका माप ज्ञात करना गणित की जिस शाखा में होता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब 3 कोणों वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के कोणों का, त्रिभुज की भुजाओं का आदि काम जिस गणित की शाखा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो परिभाषा आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोणों वाली आकृति के माप ज्ञात किए जाते हैं क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। वैसे तो बच्चों त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने बहुत सालों पहले इसके बारे में विस्तृत बता दिया था, लेकिन बाद में जे एफ हर्बर्ट ने इसके बारे में दुनिया को अच्छी तरह से समझाया। तो उन्हीं से हम सीखते हुए ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब देखो त्रिकोणमिति में मैंने कहा 3 कोणों वाला आकृति का प्रयोग होता है। अब 3 कोणों वाली आकृति क्या है? त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा? यहां पर बेटा त्रिभुज काम लिया जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ये इसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। अब देखो ये नाम ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, या सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब एक भुजा इसमें लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। अब लंब और आधार इसके बदल सकते हैं, लंब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये है आपके पास लंब और ये क्या है? आधार है। अब लंब और आधार का ज्ञान आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि यही सवालों को डिफेक्ट करते हैं। तो लंब और आधार को कैसे पता करते हैं? मान लीजिए आपको कोई कोण दे रखा है, जैसे ये वाला कोण दे रखा है सी। अब इस कोण के जस्ट सामने की भुजा लंब कहलाती है और ये दूसरी भुजा आधार कहलाती है। जो आपको कोण दिया हुआ है उसके सामने लंब होगा और ये दूसरी भुजा क्या होगी? आधार होगी। अब मान लीजिए आपको ये कोण दे देता तो इसके सामने ये क्या हो जाता? लंब, और ये क्या हो जाता? आधार हो जाता। तो उम्मीद करता हूं आपको लंब और आधार समझ में आ गया होगा। जो कोण आपको दिया हुआ है उसके सामने लंब होता है और दूसरी भुजा आधार होती है। जो कोण आपको दे रखा है उसके सामने लंब होता है और दूसरी भुजा क्या होती है? आधार होती है, ठीक है। अब देखो ये तो होगी समकोण त्रिभुज की बात। अब बेटा यदि आपको समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो याद कीजिए हम एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उसे कहते हैं पाइथागोरियस प्रमेय, पाइथागोरियस प्रमेय। तो इसमें हम एक प्रमेय लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाइथागोरियस प्रमेय, या पाइथागोरस प्रमेय भी कह देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस जो प्रमेय है आपको अच्छी तरह से याद होगी, क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है पाइथागोरियस प्रमेय। देखो कर्ण मतलब इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय। अब इसको हम शॉर्ट में कर्ण को के लिख देंगे, के का स्क्वायर, लंब को एल लिख देंगे, लंब का स्क्वायर, और आधार को ए लिख देंगे, तो आधार का स्क्वायर। तो अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप चाहो तो स्क्वायर का उधर पक्षांतरण कर दो, तो स्क्वायर काय में जाता है, अंडर रूट में जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको लंब ज्ञात करना हो, तो लंब ज्ञात करना हो तो आधार का इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा, ये प्लस का है तो माइनस का। तो बताओ लंब का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो काय में जाएगा, अंडर रूट में। तो अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको आधार ज्ञात करना है तो लंब का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, लंब यहां प्लस का है तो काय में हो जाएगा, माइनस में। मतलब आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो काय में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो आपको ये तीन सूत्र ध्यान रखने हैं, कर्ण ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, लंब ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और आधार ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब बेटा त्रिकोण मिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोण मिति में टोटल कितने अनुपात होते हैं, 6। यही कह दीजिए त्रिकोण मिति में 6 परिवार के सदस्य हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं इसमें। अब देखो वो 6 सदस्य क्या क्या है, सबसे पहले है साइन टीठा, क्या है बेटा, साइन टीठा, यहाँ टीठा का मतलब कोई कोण होगा, कोई कोण है यहाँ पर। अब दूसरा होता है कॉस टीठा, COS, कॉस टीठा, ठीक है। तीसरा होता है बेटा आपके टेन टीठा, चौथा होता है कोट टीठा, फिर अगला होता है आपके सेक टीठा, और लास्ट होता है आपके कोसेक टीठा। तो बताओ त्रिकोण मिति में टोटल कितने अनुपात है, 6 अनुपात है, साइन टीठा, कोस टीठा, टेन टीठा, कोट टीठा, सेक टीठा और कोसेक टीठा। अब इनका प्रयोग हम समकोण त्रिभुज पर करना है। अब समकोण त्रिभुज पर इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये ट्रिक आती है तो आप बड़ी आसानी से इसका प्रयोग यह कर सकते हो। और बेटा ट्रिक है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का। अब देखो यहां पर कैसे होता है, सबसे पहले यह काम आता है साइन टीठा, यहाँ काम आता है कोस थीटा, और यहाँ काम आता है टेन थीटा। नीचे आएंगे तो यहाँ कोट आएगा, यहाँ सेक आएगा, और यहाँ आएगा आपके कोसेक थीटा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, लाल बटे कक्का अगर आपको समझ में आ गया तो प्रश्नावली के सवालों को आप चुटकियों में करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, लाल बटा कक्का। अब देखो इसका मतलब क्या है, साइन टीठा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, अगर कर्ण का भाग किसमें दो, लंब में दो, तो किसका मान आ जाएगा, साइन टीठा का। कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, टेन का मतलब लंब बटा आधार। अब देखो कोट का उल्टा देखेंगे, आधार बटा लंब, और सेक का कर्ण बटा आधार, और कोसे का कर्ण बटा लंब होता है। देखो मैं यहां पर इन सूत्रों को लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर आपको साइन टीठा का मान ज्ञात करना है तो ये होगा लंब बटा कर्ण, दूसरा अगर आपको कोस टीठा का मान ज्ञात करना है तो आधार बटा कर्ण, अगर आपको कोट सेक या टेन टेन का मान ज्ञात करना है तो टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अच्छी तरह से समझ ले, आगे जब प्रश्नावली 9 पढ़ेंगे ना वहां पर भी ये काम आएंगे आपके। अगला है कोट, अब बताओ कोट टीठा का क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। और बताओ सेक का क्या होता है, सेक टीठा का होता है बेटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और बताओ कोसेक टीठा का क्या होता है, कोसेक टीठा का होता है बेटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। तो आज साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का प्रयोग हमें समकोण त्रिभुज पर इस तरह से करना है, ठीक है, समझ में आ रही है।
तो आपको ये प्रश्नावली जो 8.1 है पूरी की पूरी प्रश्नावली, ये अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो प्रश्नावली के सवालों को बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और प्रश्नावली 8.2 के लिए हमें त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे जिसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान ज्ञात करेंगे, तो वो तब बनाऊंगा जब प्रश्नावली चलेगी, तब मैं आपको वो सारणी बना के बताऊंगा बहुत ही शानदार बहुत ही ईजी वे में। एक बार में आप सारणी बनाना सीख जाओगे और जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आने वाली है आपके। जब तक आप पढ़ाई करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, नौकरियों के लिए एग्जाम दोगे, सारी चीजें आपके काम आने वाली है ये। तो आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, एक बार फिर समझा रहा हूं। त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करो तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि तीर का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना। गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों वाली आकृति का माप ज्ञात किया जाता है क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। और तीन कोणों वाली आकृति होती है त्रिभुज, और त्रिभुज भी लेंगे हम समकोण। समकोण क्यों लेंगे, क्योंकि समकोण में 90 डिग्री का कोण होता है। अगर हमें ऊंचाई मापनी है तो हमें ऊंचाई 90 डिग्री पर ही ली जाती है। और इस जो गणित की ये शाखा है इसका प्रयोग आप आश्चर्यचकित हो जाओगे देखकर, किसका प्रयोग काहे के लिए किया जाता है। यहां से चंद्रमा की दूरी, यहां से सूर्य की दूरी, किसी देश का क्षेत्रफल, नदी की लंबाई, नदी की चौड़ाई, किसी भी पेड़ की ऊंचाई, किसी मीनार की ऊंचाई आदि चीजों को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति के सूत्रों का ही सहारा लिया जाता है, जो हम प्रश्नावली 9 में पढ़ेंगे कि कैसे यहां से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे यहां से हिमालय की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम त्रिकोणमिति के सूत्रों के माध्यम से ही ज्ञात किया जाता है। अब देखो समकोण त्रिभुज ये है, इसमें देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, एक लंब और आधार होता है। जो कोण दे रखा है उसके सामने लंब और दूसरा आधार, जो कोण दे रखा है उसके सामने लंब और दूसरा क्या होता है, आधार होता है। अब समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं में पता है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम कैसे लिख देते हैं, लंब को एल से लिख देते हैं, आधार को ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, लंब ज्ञात करेंगे तो यह सूत्र, आधार ज्ञात करेंगे तो यह सूत्र। इसके बाद त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अभी इन 6 का प्रयोग हमें यहां करना है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए, लाल बटा कक्का। देखो साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, कोस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार, कोट के लिए आधार लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार, और कोसे के लिए कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। मतलब आगे आप पढ़ोगे ये जो तीन है ना, ये तीन, इनके ये तीनों उल्टे होते हैं, मतलब टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 8.1 के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और आप बड़ी आसानी से इन्हें ज्ञात कर सकते हो। देखो एक उदाहरण बताता हूं मैं जिससे आपको समझ में आएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं एक उदाहरण बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है, कि सवाल कैसे करने हैं। चलिए चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आपको मैं कुछ समझा पाऊं। बेटा आप लाइक ना भूले, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो आप अगर नए हो तो करिए, इनका कोई पैसा नहीं लगता, ये आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी गुरुजी के लिए, ठीक है। चलिए पहला देखो उदाहरण नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, उदाहरण नंबर 1 देखो इसमें क्या लिखा है। यदि टेन ए बराबर 4/3 है, टेन ए का मान है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, अन्य का मतलब टेन दे रखा है तो साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है, कोसे ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है और कोट ज्ञात करना है, सारे के सारे आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब देखो सारे के सारे कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये सारे नियम आने चाहिए। अब मुझे यहां बताओ, देखो यहां कोण ए है और यहां भी कोण ए है, इसलिए आपको कोण में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब लंब और आधार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ टेन, टेन होता है लंब बटा आधार, टेन होता है लंब बटा आधार, ये होता है। अब लंब तो 4 है और आधार 3 है, लंब तो है 4, आधार कितना है 3। अब देखो यहां लंब है, आधार है, क्या नहीं है, कर्ण, ये बताया ना कर्ण नहीं है, तो बताओ कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, जरा सूत्र, कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो कर्ण तो ज्ञात करना है, बताओ लंब कितना, 4 का स्क्वायर, आधार कितना, 3 का स्क्वायर।
अब देखो कर्ण बराबर चार को चार से गुणा करो, 16, तीन का स्क्वायर 9, बताओ 16 और 9 को जोड़ो कितना हो गया भाई 25, और 25 का वर्गमूल निकालो कितना आ गया 5, तो ये कर्ण भी आ गया आपके 5। अब हमारे पास तीन हो गए, कर्ण, आधार और लंब। अब ज्ञात करेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं साइन थीटा। अब बताओ यार ट्रिक में, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब बताओ बेटा लंब, लंब कितना ये रहा 4 बटा कर्ण, कर्ण कितना 5, ये 4/5 आ गया, बहुत आसान है। अब ज्ञात करेंगे कोस थीटा, बताओ कोस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बताओ आधार कितना 3 बटा कर्ण हमने अभी निकाला 5 आ गया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। साइन हो गया, कोस हो गया, अब देखो टेन तो मैं दे रखा है, अब उसके बाद कोट ले लो, बताओ कोट का क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका उल्टा कर दो टेन का, टेन का उल्टा होता है, देखो आधार 3 और लंब 4, आधार 3 और लंब 4 आ गया। अब अगला ज्ञात करना है सेक थीटा, बताओ सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, बताओ कर्ण कितना 5 और आधार, आधार कितना 3, तो आ गया 5/3। देखो ये सेक कोस का उल्टा होता है, देखो कोस का उल्टा किया गया है। अब ये कोसेक, कोसेक थीटा की जगह ए लिखा है, देखो यहाँ का है कि सभी त्रिकोण कोण ए के ज्ञात करने, तो थीटा की जगह ए लिखो, थीटा हो तो थीटा लिखो, ए हो तो ए लिखो, ठीक है ना, यहाँ कोण ए दे रखा है इसलिए ए लिखना है। अब बताओ कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना 5 और लंब कितना 4, तो आ गया 5/4। देखो कितनी आसानी से हमने सारे के सारे उत्तर निकाल लिए हैं। तो बेटा इस तरह से पूरे सवाल इसी टाइप से होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा प्रश्नावली को पढ़ने में। और आगे के जो सवाल है इसकी सर्वसमीकरण बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाऊंगा, और साथ ही प्रश्नावली 9 भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हल करवाऊंगा। तो बेसिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे, और अगली जो क्लास होगी इसकी सोमवार को, वहीं से आपके प्रश्नावली 8.1 के सवाल हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।